अभी सभी का हिंदी सत्र में स्वागत कर लेते हैं। तो सभी को फिर से नमस्ते, सभी का स्वागत है। तो मनेंद्र भैया, आप सुन पा रहे हैं? आपकी शेयरिंग से शुरू कर ले क्या अभी? नमस्ते। मैं आपका परिचय रख देती हूँ भाई, उसके बाद आप अपनी शेयरिंग को रख दीजिएगा। मनेंद्र भैया सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और वे यूएचवी को समझने और जीने के प्रयास में यूएचवी लिविंग सेंटर भगवान भैया के मार्गदर्शन में अपनी वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। अनंत ग्राम सुकवा में भी सहयोगी हैं और ये भैया की दूसरी शेयरिंग है। जी मनेंद्र भैया, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, धन्यवाद परिचय देने के लिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मुनेन सिंह राजावत है और मेरा एजुकेशन जो है एमएससी आईटी है। मैंने करीबन 18 साल इंडियन आर्मी में कार्य करने के बाद बीआरएस ले चुका हूँ और अभी मैं मेरे घर में मेरी पत्नी प्रतिभा जो एमए साइकोलॉजी है, मेरी बेटी जो अदिति है, अदिति क्लास 8th में अभी पढ़ रही हैं, और मेरा बेटा सम्राट जो क्लास 3rd में है। हम लोग सभी नौगांव में ही रहते हैं और यूएचबी लिविंग सेंटर के पास में ही रहते हैं, और सर के सानिध्य से डेली मैं उनसे मिलता रहता हूँ और बात करता रहता हूँ। मेरा यूएचबी से वैसे जुड़ाव देखा जाए मैम तो करीबन 1.5 साल हो चुका है, पर लास्ट अभी मैंने जब ये अपना एक एनजीओ में काम कर रहा था तो उस टाइम जॉब छोड़ा, तो लास्ट 6-7 महीनों से इस सत्र की जो भी कंटेंट शेयरिंग हुई है तो उनको मैंने फोकस किया। उससे पहले भी मैं जुड़ा था पर मुझे वो वर्डों में बहुत कंफ्यूजन रहता था, तो लास्ट 6 महीने से मैं अगर कहूँ तो यूएचवी से मेरा जुड़ाव स्पेशली हुआ। और इसी बीच में मैंने अभी लास्ट महीने में फरवरी में हम लोगों ने आनंद विभाग से चल रहे यानी कि यूएचवी का कोर्स भी करके आया हूँ। 7 दिन में मैंने वहां पे भोपाल में कोर्स किया है और अभी मैं जैसा आपने बताया कि आनंद ग्राम में सुकवा में कार्य कर रहा हूँ, और प्रेजेंटली मैं एक बीसीए जो जर्मनी से है ग्रुप फुटबॉल फॉर वॉश, इसमें बच्चों को फुटबॉल के सहारे वॉश की एक्टिविटी जो वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड है इस पे कार्य कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी हैं, और इस पे मैं खेल खेल में बच्चों को फुटबॉल के सहारे कैसे वाटर एंड सैनिटेशन एक्टिविटी सिखाई जाए इसके लिए मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी मैं यूएचबी के कंटेंट्स में आना चाहूंगा और इसके बारे में मैं अपनी थोड़ा सा प्रस्तुति रखना चाहूंगा। सबसे पहली बार तो मैं जब आपको बता चुका हूँ कि मैं 1.5 साल से जुड़ा था तो कुछ वर्डों में मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था, जब कुमार भैया बोलते थे, मैंने इंग्लिश की शर्मला मैम की भी शेयरिंग सुनी और कुमार भैया की फिर बातों को सुना, तब मैं अभी एक इन लाइन में आता जा रहा हूँ और धीरे धीरे अब प्रयास कर रहा हूँ कि इसको अपने पूरे जीवन में अच्छे से उतार सकूँ, और जहाँ तक मेरा प्रयास है बहुत सफल की तरफ भी जा रहा है क्योंकि मेरे अंदर जो परिमार्जन हो रहा है मैं अपने आप ही देख सकता हूँ। तो स्टेप पहले फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, पहले मुझे यानी कल्पनाशीलता क्या है मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखता नहीं था, पर अब मैं कल्पनाशीलता में जो कुछ भी चल रहा है हर समय इस क्षण में चल रही कल्पनाशीलता में जो इच्छा विचार आशा है इनको देख पा रहा हूँ और देख पाने की बिल्कुल समझ पाता हूँ कि हाँ कहाँ मैं हो रहा हूँ क्या है। स्टेप 2 अगर मैं बात करता हूँ, कल्पनाशीलता में जो भाव हैं वह सहज हैं असहज हैं इसको मैं देख पा रहा हूँ। स्टेप 3 अब इस क्षण में जो भाव मेरे अंदर चलते हैं इसमें मैं आराम में हूँ, सुखी में हूँ या दुखी हूँ, तो इसको भी मैं देख पाने में मेरी कोशिश है और चल रहा हूं मैं उसमें, मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसमें मेरा बहुत। अब सर के सानिध्य से मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ इधर आके तो मुझे काफी सहायता मिल रही है। अब स्टेप 4 की बात करूं, अब यह निर्णय ले पा रहा हूं मैं कि स्वयं में जो इच्छा विचार आशा और भाव चल रहे हैं उससे मैं क्या सुखी हो रहा हूँ दुखी हो रहा हूँ, यह कोई बाहरी परिस्थिति या बाहरी व्यक्ति नहीं, इस स्टेप का के प्रयास के लिए मैं हमेशा हमेशा यानी प्रयास करता रहता हूँ क्योंकि ये मेरे को सबसे अच्छा स्टेप में मैं कहूँ कि इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सर से इसी बात पे भगवान सर से मैं क्वेश्चन करता हूँ, और क्वेश्चन करते करते अब आया हूं मैं इस लाइन पे कि हाँ क्योंकि ये बाहरी परिस्थिति या बाहरी व्यक्ति के आकर्षण या इफेक्ट से ही होता था कि जिससे मैं बार बार सुखी और दुखी हो रहा था, पर अब मैं
सही लाइन पे पकड़ता जा रहा हूं और अब समझ पा रहा हूं कि हाँ यही मेरे सुखी दुखी होने का कारण था। वो पहले जैसे मैंने आपको स्टेप 5 की अगर मैं बात करूं तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक तो आर्मी में रहा हूं, तो आर्मी में तो सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं, तो मैं मान्यता आधारित पहले तुरंत से ही निर्णय ले लेता था जिसके कारण मैं तुरंत एक्शन लेने में क्षमता थी और फिर मैं उसकी प्रतिक्रिया देने लगता था। और पहले एक अब मुझे में क्या हो रहा है मैम कि एक्शन लेने से पहले मैं छोटा सा होता हूँ और सही समझ के साथ सही निर्णय लेने की कोशिश करने लगा हूँ। अभी मैं धीरे धीरे यानी कि पॉज लेता हूँ कि हाँ रिएक्शन से पहले एक पॉज लेना है, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करता हूँ कि हाँ ये निर्णय लेने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके आउटकम को मैं धीरे धीरे सोचने में और अधिकतर अगर कहूँ तो 60% तक 70% तक पहुंच रहा हूँ। अगर स्टेप 6 की बात करूं मैं, क्योंकि मैं पहले तुरंत एक्शन लेता था जिससे मैं संबंध व्यवस्था को नहीं देख पा रहा था और वह जो मेरे भाव थे वो बिगड़ जाते थे। अब जब से मैं लास्ट 7 महीनों से मैंने भगवान सर के पास डेली सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिला मुझे तो मैं उनके पास बैठा और बार बार मैंने अपने एक्शन के बारे में सर को बताया, तो सर ने मुझे एक्शन की आपको पॉज लेना है क्या करना है कैसे करना है, उन्होंने काफी सहायता की है और UHV कंटेंट तो मुझे हमेशा ही सहायता करते हैं मैम। तो इससे मैं अब तब से मैं अब ये समझ सकता हूँ कि मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव में रहने का प्रयास शुरू हो गया है मेरा मैम। अब मुझे लगता है कि हाँ कि चाहना तो सभी की सुखी की है, बस यही है कि हम अपनी निर्णयों के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं। और स्टेप 7 यह कहना अभी जल्दी होगा, मुझे अगर मैं कहूँ तो बहुत जल्दी होगा, यह प्रयास तो प्रारंभ हो चुका है। जब मैं संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ मैं, तब मैं अपने भाव विचार का निर्णय लेकर संगीत में और सुखी रहता हूँ और यह अभ्यास मेरा निरंतर है। अभी अभ्यास 2 की बात करूं मैम, तो अभ्यास 2 में हाँ अब मुझे ये लगता कि मैं और शरीर यह दोनों अलग अलग हैं, इनकी वास्तविकताएं अलग हैं, यह समझ में आने लगा है। स्टेप 2 मैं और शरीर के बीच की सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यह भी अब दिखने लगा है हमें। शरीर को क्या संकेत देना है, किस किस संवेदना को पढ़ना है, क्या निर्णय मैं लेता हूँ और क्या निर्णय लेना चाहिए, अब ये हमें धीरे धीरे UHV के माध्यम से इनके कंटेंटों को गंभीरता से समझने आ रहा है। स्टेप 4 मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ और यह समझ पा रहा हूँ कि मैं और शरीर के बीच की दूरी है। यह स्टेप 4, इसमें मुझे थोड़ा समझ बढ़ रही है। स्टेप 5 किसी भी बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर पर पहुंच पाता है यह देख पाता हूँ मैं और यह निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ और अर्थ देने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि जिससे मैं कभी तो प्रभावित होता हूँ और कभी नहीं होता हूँ। जब मैं बिल्कुल जैसा बताया मैंने कि पॉज लेके कोई निर्णय लेता हूँ तो मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, पर जब निर्णय तुरंत एक्शन की भी मान्यता आधारित मेरे निर्णय लेने की आदत जल्दी तो नहीं जाएगी पर जा रही है धीरे धीरे, तो उनमें लेता हूँ तो थोड़ा प्रभावित हो जाता हूँ। स्टेप 6 बाह्य परिस्थिति का जो शरीर पर प्रभाव या मेरा निर्वाह अभी भी मैं कहूँ तो इस स्टेप में मुझे 50% तक ही सही समझ बना पाया हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रियलिटी में काम करता हूँ तो 50% ही मुझे ये स्टेप में अभी परफेक्ट हो पाया हूँ। जब मैं अपने संस्कार आधारित कोई निर्णय लेता हूँ तब उससे प्रभावित होता हूँ, स्वयं के भाव विचार को बनाता और बिगाड़ता हूँ, स्वयं ही सुखी और दुखी भी होता रहता हूँ, क्योंकि ये कुछ है कि जो मेरे मान्यता आधारित निर्णय है वो बार बार मुझे वैसे ही प्रेरित करते हैं। जब मैं संवेदना और निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ तब मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ और जब संवेदना को पढ़ने के आधार पर ही बाहर की घटना का आकलन करता हूँ, जैसे दूसरों का व्यवहार, कोई आई रही हुई ध्वनि, अर्थ, भौतिक रसायन, अपने शरीर में घट रही घटनाएं में, तो इन पे जब मैं आकलन करता हूँ तो धीरे धीरे लगता है और उनका प्रयास करता हूँ उसके आकलन का, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं संगीत में हूँ सुखी हूँ, पर जब मैं इनका आकलन नहीं कर पाता हूँ तो मैं दुखी महसूस करता हूँ। स्टेप 7 मेरा होना शून्य है, यह सहअस्तित्व में बना हुआ है और मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। मैं आवश्यकता के अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ,
शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है, अब ये समझ में आ रहा है और धीरे धीरे मुझे ये पता चलता है। इसमें मैम सुख स्वभाव है कि प्रभाव, यह अब बिल्कुल दिखने लगा कि सुख मेरे अंदर स्वभाव ही के रूप में रहना चाहिए। और इस स्टेप को मैंने कुमार भैया की रिकॉर्डिंग को कम से कम 4 से 5 बार सुना है, जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, तो वो क्लियर मुझे है कि सुख स्वभाव ही में रहना चाहिए। यूएचबी को समय देने के लिए मैं बिल्कुल यूएचबी में 100% समय देने के लिए तैयार हूँ, और जितना भी जहां भी बोला जाएगा मैं वहां जाऊंगा। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ सर के साथ मिलके, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फुटबॉल फॉर बॉस जो एक गेम है, इस फुटबॉल के सहारे बच्चों को, मैं स्कूली बच्चों को, हम लोग 16 स्कूल में बच्चों को ट्रायल कर रहे हैं कि उनको ये बॉस की कंडीशंस को कैसे सिखाते हैं। तो वैसे भी अगर मैंने सर के साथ ये बात शेयरिंग की थी, क्यों ना हम सर जो यूएचबी के कंटेंट्स हैं उनको हम स्टेप्स को इसी फुटबॉल फॉर बॉस की तरह एक खेल में लाएं, जिससे हम उसकी स्कूल के बच्चों में जाके उनको ये समझा पाएं कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के उनके कंटेंट्स को उनके अंदर ले जा पाएं। मैं सबसे बड़ा आभार इसमें यह व्यक्त करना पड़ूंगा करना चाहूंगा कि यूएचबी की जो कंटेंट है वो वाकई में यूनिक है, और इनका कोई भी इनकी नहीं कह सकते हैं कि ये कंटेंट इतने यूनिक है कि सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व अपने अंदर करना चाहिए। और मैं इसी को फॉलो करूंगा और अपने परिवार में भी इसको मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। परिवार में अभी ये कह सकता हूं मैं कि हाँ, अभी उनके अंदर समझ इतनी नहीं स्थापित हो पाई है, क्योंकि उनके अलग अलग सब मान्यताएं हैं, पर मेरी बेटी और मेरा बच्चा जो सर के पास आते हैं तो वो धीरे धीरे इस चीज को सीख रहे हैं। अब मैं स्पेशल थैंक्स तो मैं भगवान सर का और मैम का जरूर करूंगा, क्योंकि तो उन्होंने इस कंटेंट को, मैं पास में रहते हुए भी 1.5 साल पहले अगर मैं उन पे फोकस करता तो आज मेरे अंदर गति अच्छी होती, और इसलिए मैं सर का हमेशा भी साथ देना चाहूंगा। और मेरा सर के कारण ही है कि जो आप लोग सबके सामने मैं अपनी प्रस्तुति दूसरी बार रख पा रहा हूँ, और साथ में मैं गणेश सर से भी मैं मिला हूँ, सर के साथ ही मिला हूँ, हम लोग बांदा में मिले थे, तब भी मैंने सर से यही बोला था कि सर हम कुछ यूनिक काम करना चाहते हैं। अंत में मैं बस 4 लाइनें बोलना चाहूंगा जो इस प्रकार है कि हकीकत से रूबरू हो चुका हूं, अब कोई ख्वाब सजाना नहीं, बहुत की हैं गलतियां पहले, अब उन्हें दोहराना नहीं, अब कोई दोस्त बने दुश्मन, अब किसी से घबराना नहीं, जिसको जो समझना है समझे, अब किसी को समझाना नहीं, जो पीछे छूट गए हैं अब किसी को मनाना भी नहीं, अब समझ गए हैं वजूद अपना, दूसरों के लिए खुद को मिटाना नहीं। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। अभी कुमार भैया से निवेदन करूंगी कि भैया मनिंदर सिंह जी की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। जी भैया, मुरेन भैया ने जिस तरह से विधिवत शेयरिंग की एक स्टेप बाय स्टेप, और अभी जिस तरह से वो ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, परिवार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने अपने मतलब वो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, उसके बाद जो समय लगा रहे हैं समझने के लिए और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए, प्रशंसनीय है। इनफैक्ट भगवान भैया के परिवार समूह के द्वारा जो शेयरिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, और जो शेयरिंग हो रही है उसमें गहराई और बारीकी बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ से मुनेन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मुनेन भैया से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे डिफेंस रिटायरमेंट लेकर वो अभी फुल टाइम अवेलेबल हैं या किसी और व्यवसाय को ज्वाइन किए हैं? जी भी जैसा मैंने बताया ना कि मैं अभी जो SDG 17 है, जो यूएन के द्वारा निर्धारित 17 गोल हैं, उसमें एक वीसीए विवा कॉन एक्वा जो जर्मनी से एक संस्था है, उसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है फुटबॉल फॉर वॉस का सर। ये बेसिकली अच्छा डिपेंड है यूनिवर्सल लैंग्वेज बिहेवियर चेंज के लिए, तो इस पे मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें पन्ना है सर, छतरपुर है और निवाड़ी है। इसी बेस पे मैंने चलिए, बोला था सर कि हम फुटबॉल के थ्रू बच्चों को ये सिखाते हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन पे कैसे हमको रिलेट करके, कैसे हमें अपने घर में साफ सफाई रखना है, अपने को स्वयं साफ रखना है, स्टेप्स जो 6 स्टेप हैं हैंड वॉश के उनको सिखाना,
टॉयलेट हाइजीन से लेके वॉश सीक्वेंस इनके बारे में सिखाते हैं, पर वो मीडियम जो होता है फुटबॉल होता है। तो मैं सर के साथ, भगवान सर के साथ यही बात किया था, और साथ में मैंने गणेश सर से बोला था, सर कि क्या हम अपने UHV कंटेंट को भी ऐसे ला सकते हैं कि फुटबॉल के मीडियम से बच्चों को खेल खेल में ये सिखाएं कि हाँ सुख स्वभाव है, प्रभाव है, या जो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है कंटेंट उनको सिखा पाए। तो इसके लिए मैं सर के साथ बैठ के प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हम कैसे उसको तैयार कर सकते। बेसिकली हम ये, और मैं अवेलेबल के लिए कहें तो मैं 100% अवेलेबल हूँ। UHV के लिए मैं पूरी तरह डेडिकेटेड हूँ। जब भी मुझे जितना भी टाइम बोला जाएगा, जहाँ भी देने के लिए, मैं पूरी तरह दूंगा सर। जी, मैं तो अभी यही कहूंगा कि जी भैया, एसडीजी के तहत जो 3 जिले आपको मिले हैं, उसमें जितने भी आपके साथ वॉलंटियर्स जुड़े हैं, उन सबके साथ कुछ वर्कशॉप प्लान कर लीजिए, तो जी। वो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ तो सर ये है जी, कि जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बेसिक गोल्स हैं। बेसिकली जी हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ, 17 गोल्स हैं सर, उन्हीं को बस हम फॉलो कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं वॉलेंटियर, क्योंकि अब मैं UHV को धीरे धीरे अपने अंदर ले जा रहा हूँ, तो मेरे जो बोलचाल में भी है सर कि हम अपने वॉलेंटियर्स को तो बताते ही हैं धीरे धीरे, साथ में जब बच्चों के साथ गैदरिंग होती है उनको समझाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति उनका जो पहले विरोध में रहते थे कि नहीं रहते थे तो लड़ना नहीं, अब धीरे धीरे वो लोग समझदार हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। इस टाइप से उनको जो नहीं, UHV मैं तो जो यही कह आते रहा हैं वो हूँ धीरे धीरे हमको बताते हैं। जी, ये तो जी एक बात हुई। आप पूरे टीम को वर्कशॉप करने दें, जैसे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके लिए, भगवान भैया के सहयोग से 3 दिन का ही कर लें। तो अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ज़्यादा ठीक से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर पाएंगे। वो गोल्स भी अगर आप देखें तो मानव लक्ष्य के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों को सही समझ होगी, तभी लोग स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे, तभी वो समृद्धि का भाव भी देख पाएंगे, तभी आपस में ठीक से रह भी पाएंगे, प्रकृति का भी केयर कर पाएंगे। तो ये जितने भी एसडीजी ग्रुप्स हैं, इन सबके साथ अगर आप जी वर्कशॉप प्लान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भैया, जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जरूर प्लान कर सकूं और सर के साथ बैठ के उनका वर्कशॉप भी करा सकूं। जी, बढ़िया भैया।